अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हाउ आर यू ऑल। टुडे वी विल स्टडी ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर। तो ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर को समझने से पहले जो है ना, आपको ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स को समझना होगा। ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स को समझने के लिए जो है ना, आपको दो टर्म्स हैं, दो कॉन्सेप्ट हैं इससे रिलेटेड, उनको समझना होगा। और ये जो टॉपिक्स हैं ना, आप इनको जो है, अगर आपको क्वेश्चन आता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ट्रांसफॉर्मेशन जनरेटिव ग्रामर का, तो आपने उसमें ऐड करना है इनको। डीप स्ट्रक्चर एंड सरफेस स्ट्रक्चर। इन 1957 नॉम चॉम्स्की पब्लिश सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर। अब 1957 में नॉम चॉम्स्की ने सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर के नाम से एक बुक पब्लिश की थी, इन विच ही डेवलप्ड द आइडिया दैट ईच सेंटेंस इन अ लैंग्वेज हैज़ टू लेवल ऑफ रिप्रेजेंटेशन, अ डीप स्ट्रक्चर एंड अ सरफेस स्ट्रक्चर। यानी उसने कहा था कि हर लैंग्वेज में हर सेंटेंस के जो है ना, दो लेवल होते हैं रिप्रेजेंटेशन करने के, एक तो डीप होता है, एक सरफेस होता है। अब हम कहेंगे कि ये डीप और सरफेस किस बला का नाम है, तो देख लेते हैं। सरफेस स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज द फॉर्म यूज्ड इन कम्युनिकेशन, द स्ट्रक्चर ऑफ इंडिविजुअल सेंटेंस आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ मूवमेंट रूल्स टू डीप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सरफेस स्ट्रक्चर। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सेंटेंस रिजल्टेड फ्रॉम द मॉडिफिकेशन और ट्रांसफॉर्मेशन। लुक एट दीज सेंटेंसेस। अच्छा जी, अब आपको याद होगा कि मैंने अभी आपको जो है ना, एक दो दिन पहले ही ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया था, कि यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कैसे की जाती है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में मैंने आपको बताया था कि यानी जब हम किसी भी सेंटेंस की ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं ना, तो या तो उसको जो है पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज कर दिया जाता है, या तो एक्टिवाइज से पैसिवाइज में चेंज कर दिया जाता है, या तो सिंपल सेंटेंस से उसको इंट्रोगेटिव बना दिया जाता है। इस तरह के कुछ चेंजेस किए थे ना, तो अब यानी जो ऑलरेडी गिवन फिगरा होता है ना, जो एक्टिवाइज होता है वो कहलाता है डीप स्ट्रक्चर, और सर्फेस स्ट्रक्चर में वो आ जाता है जो जिसपे मॉडिफिकेशन या ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी होती है। मतलब अगर एक सेंटेंस आपके पास एग्जाम्पल के नीचे दी गई ना, यू क्लोज द डोर, अब ये था जो है, ये यू क्लोज द डोर है ना, ये जो है उसका पहले वाला सेंटेंस है, लेकिन द डोर इज क्लोज्ड बाय यू, तो ये जो है उसमें मॉडिफिकेशन होगी ना, बात तो वही रही है, यू क्लोज द डोर या द डोर इज क्लोज्ड बाय यू, कि दरवाज़ा तुमने दरवाज़ा बंद किया या दरवाज़ा तुमने बंद किया, मतलब तो सेम रहा है, लेकिन क्या है कि वर्ड्स की जो है अरेंजमेंट को चेंज करके ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है। द फर्स्ट सेंटेंस इज एक्टिव एंड सेकेंड इज पैसिव। हमें पता चल रहा है कि फर्स्ट सेंटेंस जो है वो एक्टिव है, और दूसरा जो है पैसिव है, और थर्ड वाला जो है क्लोज द डोर इज द इंपेरेटिव, मतलब इसमें ये हुक्म या फिक्र है, हुक्म दिया जा रहा है। हाउ एवर दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड इवन आइडेंटिकल, दे सीम टू बी आइडेंटिकल सिंस दे हैव द सेम मीनिंग। अब डीप स्ट्रक्चर में क्या होता है कि डीप स्ट्रक्चर में ये होता है, इज एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉर्म और द सरफेस स्ट्रक्चर। द डीप स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स कोर सिमेंटिक रिलेशन ऑफ अ सेंटेंस, इट वाज मैप्ड ऑन द सरफेस स्ट्रक्चर विच फॉलोड द फोनोलॉजिकल फॉर्म ऑफ सेंटेंस वेरी क्लोजली वी आर ट्रांसफॉर्मेशन। कि इसमें जो है यानी सेंटेंस का मीनिंग जो है ना, वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, या उसमें थोड़ी बहुत जो है अल्टरेशन होती हैं, थोड़ी बहुत जो है वो चेंजेस वगैरह आते हैं, लेकिन डीप स्ट्रक्चर जो है वो उसकी ओरिजिनल फॉर्म को कहते हैं, और जो सरफेस स्ट्रक्चर है कि डीप स्ट्रक्चर जो है वो ओरिजिनल जो सेंटेंस होता है उसको कहते हैं। आपने सिंपल वर्ड्स में याद रख लें कि डीप स्ट्रक्चर जो है वो सिंपल वर्ड्स में जो सेंटेंस होता है उसको कहा जाता है, और ये हमेशा जो है एक्टिवाइज में होता है, और जो सरफेस स्ट्रक्चर होता है ये जो उसकी मॉडिफिकेशन होती है या ट्रांसफॉर्मेशन होती है उससे जो सेंटेंस हासिल होता है उसको सरफेस स्ट्रक्चर कहते हैं, और ये या तो नेगेटिव में होते हैं, या फिर ये जो है इसको जो है ना पैसिवाइज में होते हैं, और या फिर इंटरोगेटिव होते हैं, ये इनकी पहचान होगी। तो आगे देखिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स या टी रूल्स भी कहते हैं इनको। ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स कॉमनली नोन एज टी रूल्स आर सेट ऑफ रूल्स विच विल चेंज और मूव कॉन्स्टिट्यूएंट इन द स्ट्रक्चर ड्राइव फ्रॉम द फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स जैकब्स एंड रोजनबॉम इन देयर स्टडीज सी डेट अ ट्रांसफॉर्मेशन इज अ पर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ ऑल्टरेशन बाई विच वन सेंटेंस स्ट्रक्चर इज कन्वर्टेड इनटू अनदर स्ट्रक्चर विदाउट एनी चेंज इन द मीनिंग। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का वही रूल आ गया जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा था, कि यानी जो ये ऐसे कवानीन जिनको जो है जिनमें जो है फिक्रे की सिर्फ अरेंजमेंट चेंज की जाती है, लेकिन उसका जो मायने है वो सेम रहता है। द चेंजिंग ऑफ डीप स्ट्रक्चर ऑफ टू सरफेस स्ट्रक्चर इज़ वी आर ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब जो डीप स्ट्रक्चर में सेंटेंसेस होते हैं उनको जब उनकी उन पर मॉडिफिकेशन की जाती है, उनमें चेंजेस लाए जाते हैं, उनको एक्टिव से पैसिव कर दिया जाता है, या पॉजिटिव से नेगेटिव कर दिया जाता है, या सिंपल से इंट्रोगेटिव कर दिया जाता है, तो वो जो है सरफेस स्ट्रक्चर बन जाता है। दैट ही रूल्स कंसिस्ट ऑफ एडजंक्शन सब्स्टिट्यूशन एंड डिलीशन। अब जो टी रूल्स होते हैं उसमें जो है एडजंक्शन भी हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी हो सकते हैं, और डिलीशन भी हो सकते हैं। अब ये देखिएगा क्या मतलब, यानी हम किसी भी सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म किन किन तरीकों से कर सकते हैं। एडजंक्शन इज़ अ प्रोसेस बाय विच वन कॉन्स्टिट्यूएंट इज अटैच्ड टू अनदर फॉर्म टू फॉर्म अ लार्जर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेम टाइप। फॉर एग्जाम्पल इन अ सेंटेंस लाइक ही शुड नॉट गो, द पार्टिकल नॉट कैन बी एडजॉइंटेड टू द ऑक्सिलरी वर्ब शुड टू फॉर्म द नेगेटिव ऑक्सिलरी शुड नॉट। जो है ना वो सिंपल वर्ड्स में कहा जाता है कि एक लफ्ज़ की दूसरे लफ्ज़ में शमूलियत,
तो अब देखें अगर ये जो एग्जांपल है ना ही शुड नॉट गो, इसको हम अलग-अलग भी तो लिख सकते थे ना कि ही जो है वो हमारा सब्जेक्ट होता और शुड जो है वो उसका हमारा ऑक्सिलरी वर्ब होता और नॉट जो है हम उसको अलग से लिखते नेगेशन के लिए और गो जो है हमारा वर्ब होता। लेकिन क्या किया गया है यहाँ पे उसको जो है शुड और नॉट को इकट्ठा कर दिया गया है, ये यानी क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म्स जो हैं वो इंग्लिश में चलती हैं ना, ये भी रूल्स होते हैं कि हम जो है जैसे डज को जो है डोंट डज को डज नॉट और डू नॉट को डोंट पढ़ते हैं, इसी तरह से वुड नॉट को वॉन्ट पढ़ते हैं, इस तरह के यानी जो वर्ड्स को जो है जॉइंट कर लिया जाता है। तो ये तो यहाँ पर इसकी फॉर्म जो है ये ही शुड नॉट को यूज़ हुई है, तो इससे इसकी माइनिंग में तो कोई बदला चेंजिंग नहीं आई। तो मतलब यानी अगर इसको लहदा लिखा जाए ही शुड नॉट गो या ही शुडंट गो तो वो सेम मीनिंग देते हैं। इसी तरह से है सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन इज अ टेक्निक यूज टू डिटरमाइन एन एक्सप्रेशन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड यूजिंग अनदर एक्सप्रेशन इन प्रीवियस सेंटेंसेज लाइक डैट इन विच इट अकर्स बाय अनदर एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल जॉन स्पीक्स क्लियरर देन यू, जॉन स्पीक्स मोर क्लियरली। अब क्या है कि यानी सब्सटीट्यूशन कहते हैं कि ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन या ऐसे चेंजेस फिक्रे में जिससे जो है आप कुछ वर्ड्स को जो है ना ऐड कर दें, मतलब कुछ वर्ड्स को जो है उसमें ऐड कर दें तो भी फिक्रे के मायने में कोई तब्दीली ना आए। मतलब पहला फिक्रा है ना जॉन स्पीक्स क्लियरर देन यू, कि जॉन जो है तुमसे ज़्यादा साफ बोलता है, लेकिन अगर इसको हम ऐसे लिखेंगे जॉन स्पीक्स मोर क्लियरली तब भी उसका मतलब यही रहेगा। तो मतलब सब्सटीट्यूशन जो है कुछ वर्ड्स के को इन्वॉल्व करने से भी फिक्रे के सेंटेंस में जो है चेंजेस ना आए वो सब्सटीट्यूशन कहलाती है। इसके बाद आ जाता है डिलीशन। देर आर फाइव काइंड ऑफ डिलीशन, दो आर सब फर्स्ट ऑफ ऑल इज नाउन फ्रेज डिलीशन, वर्ब फ्रेज डिलीशन, लिंकिंग वर्ब डिलीशन, इम्पेरेटिव डिलीशन। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इज नाउन फ्रेज डिलीशन। इन द नाउन फ्रेज डिलीशन द नाउन इन द सेंटेंस गेट्स द प्रोसेस ऑफ डिलीशन। फॉर एग्जाम्पल मतलब उसमें क्या होता है कि नाउन को जो है ना वो रिमूव कर दिया जाता है, नाउन को जो है ना डिलीट कर दिया जाता है। यू कैन प्ले हॉकी एंड अमजद कैन प्ले हॉकी टू, लेकिन यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि अब हॉकी जब एक दफ़ा कह दिया तो दूसरी दफ़ा कहने की ज़रूरत तो नहीं है। हम मतलब अगर हम कहेंगे यू कैन प्ले हॉकी एंड अमजद कैन प्ले टू और जो बाद वाला हॉकी था उसको हम रिमूव कर दें तो फिक्रे के मायने में कोई तब्दीली नहीं आएगी बल्कि ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। इसी तरह से वर्ब फ्रेज डिलीशन। इन द वर्ब फ्रेज डिलीशन द कॉन्स्टिट्यूट डैट एक्सपीरियंस डिलीशन और इज द वर्ब फ्रेज। मतलब इसमें क्या होता है कि नाउन फ्रेज में जो था नाउन को डेल किया जाता है, नाउन को रिमूव किया जाता है और वर्ब फ्रेज में हम एक्स्ट्रा वर्ब को जो है वो रिमूव कर देते हैं। द पेपर रिफ्यूज टू रिपोर्ट द ट्रायल बिकॉज दे वर अफ्रेड टू रिपोर्ट द ट्रायल। अब इसमें जो है रिपोर्ट का वर्ड दो दफ़ा क्यों कहा भाई, जब एक बात बता दी थी रिपोर्ट तो बार बार रिपीट करने का क्या तुक बनता है। द पेपर रिफ्यूज टू रिपोर्ट द ट्रायल बिकॉज दे वर अफ्रेड टू, तो ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही रहा है, मतलब इसके मायने में कोई तब्दीली नहीं आई। हमने इसमें क्या किया रिपोर्ट द ट्रायल को रिमूव कर दिया, पूरी फ्रेज को हमने रिमूव कर दिया। इसी तरह से है लिंकिंग वर्ब डिलीशन। इन द लिंकिंग वर्ब डिलीशन द कॉन्स्टिट्यूट दैट एक्सपीरियंसेस अ डिलीशन इज अ वर्बल बी। लिंकिंग वर्ब डिलीशन में ये होता है कि उसमें जो है बी का जो है इजाफा कर दिया जाता है। लिंकिंग वर्ब्स अकर्स टुगेदर विद द नाउन फ्रेज डिलीशन, लिंकिंग वर्ब डिलीशन कैन बी कंसिडर एज टू द डिलीशन। बी डिलीशन कंसिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन हैपन्स इन द प्रेजेंट टेंस सेंटेंस। फॉर ये मतलब ये प्रेजेंट टेंस में जो है ना ये बी का जो है बी को रिमूव किया जाता है। मतलब देखिए ही वॉज गोइंग स्ट्रेट ही वॉज अ स्नैक, गोइंग स्ट्रेट ही वॉज अ स्नैक। देखिए ना मतलब हमने क्या किया कि उन दोनों को जो है ना फिक्रों को इकट्ठा करके जो है उनका एक प्रॉपर जो है मीनिंगफुल फिक्रा जो है वो हमने बना दिया। ही वॉज गोइंग स्ट्रेट ही वॉज अ स्नैक, ही सा स्नैक था लेकिन हमने कहा कि गोइंग स्ट्रेट ही सा स्नैक, जब वो सीधा जा रहा था तो स्नैक सामने दिख लिया। इसके बाद है इंपेरेटिव रिलेशन। इट इज़ कॉल्ड इंपेरेटिव रिलेशन बिकॉज इट डिलीट्स द एनपी। एनपी किसे कहते हैं नाउन फ्रेज को। फॉर एग्जांपल यू ओपन द डोर, ये डीप स्ट्रक्चर में है ना यू ओपन द डोर, लेकिन अगर इसको कहें ओपन द डोर तो ये सरफेस स्ट्रक्चर में आ जाएगा। इसी तरह से यूनिवर्सल ग्रामर वॉज कंसर्न मेनली विद जनरल फीचर्स ऑफ लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स रादर दैन द पर्टिकुलर idiosyncrasies। It studies grammar as if they are all alike। It is an old concept of grammar based on Greek and Latin models of grammar। It declined after 18th century। The concept of universal grammar is not scientific, rather it is illogical and unmethodological subjective। सबको ये पैराग्राफ को मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं करी क्योंकि सारे पॉइंट्स मैं आपको ऊपर पढ़ा चुकी हूँ पहले। यूनिवर्सल ग्रामर गिव्स प्रायोरिटी टू रिटन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, द मेन एम्फेसिस ऑन द इट्स मीनिंग। कि यानी जो यूनिवर्सल ग्रामर थी उसके जो कॉन्सेप्ट को 18वीं सदी में जो था रिजेक्ट कर दिया गया कि ये ग्रीक और लैटिन जो है ना ये ओल्ड मॉडल हैं, परस्पेक्टिव ग्रामर जो है वो ओल्ड मॉडल है, लेकिन जो यानी यूनिवर्सल ग्रामर है ना वो उसमें ज़्यादा रिटन पे जो है प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन वो एक इलॉजिकल मेथड होता है और इस पर जो है यूनिवर्सल ग्रामर में ज़्यादा जो फोकस है वो मीनिंग पे दिया जाता है। तो लेकिन क्या है कि अब हम इसकी जो है वो उसको पढ़ेंगे हम ट्रांसफॉर्मेशन जनरेटिव ग्रामर को।